9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी गुप्ता। बिहार के पटना में इंडिगो एयरपोर्ट के मैनेजर रुपेश सिंह की हत्या के बाद उनके यहाँ राजनीतिक हस्तियों का आना जाना लगा हुआ है। पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी रुपेश सिंह के घर पहुँचे तो रुपेश की बेटी ने कुछ ऐसा कहा कि हर किसी की आंखें भर आईं। रुपेश की बेटी ने कहा, अंकल जब वो पकड़ा जाएगा तो पहली गोली मेरी मम्मा मारेंगी, मेरे पापा को इंसाफ दिला दीजिए, मैं रो नहीं पा रही क्योंकि मैं रोऊंगी तो मम्मी को अंदर से दर्द होगा। रुपेश सिंह की बच्ची की मुंह से ये बात सुनते ही बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने बच्ची को गले से लगा लिया और वहां खड़े हर शख्स की आंखें भीग गई। पटना में मारे गए इंडिगो के स्टेशन हेड रुपेश सिंह के पैतृक गांव सबरी में गुरुवार को बिहार सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुशील मोदी परिजनों से मिलने पहुंचे। सुशील मोदी के पहुंचते ही रुपेश की मां दहाड़ मार कर गिर पड़ी। सुशील मोदी ने उनको उठाकर सांत्वना दी। रुपेश की बहन, उनके बड़े भाई, उनके वयोवृद्ध पिता भी दहाड़ मार कर रो रहे थे। सुशील मोदी ने सबको सांत्वना दी। इस दौरान जब रुपेश के बेटा और बेटी सुशील मोदी के पास आए तो मासूम बच्ची ने हथियारों को पकड़े जाने पर पुलिस नहीं बल्कि अपनी मम्मी द्वारा गोली मारने की बात कही। बच्ची ने कहा कि वो रोती लेकिन रो नहीं पा रही क्योंकि वो रोएगी तो मम्मा को अंदर से दर्द होगा। मुलाकात के दौरान रुपेश सिंह की पत्नी के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो रो रो कर अपने लिए न्याय की मांग कर रही थी, साथ ही अपने बच्चों के भविष्य और पढ़ाई लिखाई को लेकर सुशील मोदी से गुहारी। सुशील मोदी से जब इस बाबत सवाल किया गया तो उन्होंने जल्द हथियारों के पकड़े जाने का दावा किया, साथ ही बच्ची की मासूम अपील पर कहा कि लोग भावावेश में हैं, गुस्से में हैं, अपराधियों को कानून के मुताबिक ही सजा दी जाएगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी ताजा तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए SBN 9 न्यूज के साथ। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें, साथ ही साथ हमारे चैनल SBN 9 न्यूज को भी जरूर सब्सक्राइब करें।